मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की वादियों में भगवान भिलटदेव का भव्य मंदिर ग्राम नांगलवाड़ी में है, जहां हर वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगवान भिलटदेव के दर्शन के लिए आते हैं। मेले के पूर्व क्या तैयारियां हैं और नांगलवाड़ी में नाग देवता किस प्रकार जन्म हुआ और क्या है यहाँ की पूरी कथा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। नांगलवाड़ी से हीरालाल सोलंकी के साथ रवि काक की रिपोर्ट। भिलटदेव जी एक नाग देवता अवतार महापुरुष है। इनका जन्म संवत 1220 में हुआ। इनके पिताजी का नाम रेलक और माताजी का नाम मैदाबाई है। इनका जन्म के पश्चात ही भगवान शिव जी ने उठाकर ले गए थे और इनकी शिक्षा दीक्षा जो है वो पचपड़ी चौरागढ़ नागद्वारा में हुई। वहाँ पर तंत्र शिक्षा प्राप्त की। उस समय तांत्रिक असुरवृत्तियां बढ़ गई थी, उनका विनाश करने के लिए भिलटदेव का जन्म हुआ था। भगवान शिव जी से शिक्षा प्राप्त करने के बाद भैरव जी के साथ में बंगाल में गए, वहाँ के सारे तांत्रिकों को प्रस्त किया और वहीं पर वहाँ का जो वर्तमान राजा था उनकी कन्या के साथ इनका विवाह हुआ। वहाँ पर बंगाल विजय प्राप्त करने के बाद जब वापस बचपड़ी चौरागढ़ आए तो भगवान शिव जी ने कहा मेरा ध्येय पूर्ण हो गया है, आप जनकल्याण करने के लिए नांगलवाड़ी का राज्य कीजिए। तो नांगलवाड़ी का राज्य बाबा भिलटदेव ने किया था और हम जहाँ बैठे हैं वो बाबा जी की यह तपोस्थली है। नांगलवाड़ी ग्राम कर्मभूमि और शिखर धाम ये तपोस्थली है। यहाँ जो भी अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं बाबा जी उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। विशेषकर जो भी संतान होते हैं उनकी मनोकामनाएं बाबा जी शीघ्र पूर्ण करते हैं। एक किन्नर ने बाबा जी की परीक्षा लेनी चाहिए कि आप महिलाओं को संतान देते हो, मुझ जैसे किन्नर का अगर गर्भ रहेगा आपका चमत्कार मानूंगा। और बाबा की कृपा उस किन्नर पे हुई, उसे गर्भ रहा और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस दिन से किन्नर लोग श्रापित है, कोई भी किन्नर नांगलवाड़ी में रात्रि विश्राम नहीं करता है। किस तरीके से आपके यहाँ पार्किंग व्यवस्था को आप सुचारू रूप से चलाते हैं? वैसे हम लोग सबसे पहले तो हमारा ये होता है कि हमारे पास लगभग 100 कार्यकर्ता है और 100 कार्यकर्ता साथ में हमको पुलिस प्रशासन की भी सहायता मिलती है और सबसे बड़ी सहायता तो हमें मंदिर समिति की है जिसके अंडर में हम काम करते हैं। और उसके लिए हमने जो सुचारू रूप से हमेशा हर साल की तरह 3 पार्किंग बनाई है। हर साल 2 पार्किंग रहती है। अच्छा। एक 2-व्हीलर के रहती है और एक 4-व्हीलर के, लेकिन इस साल एक और पार्किंग बढ़ा दी हमने 4-व्हीलर के लिए, जो कि हेलीपैड के लिए रहती है, वो हमने इस साल इसमें इन्वॉल्व कर लिए। साथ ही कितनी गाड़ियां लगभग आपकी पार्किंग में यहाँ पर खड़ी रह सकती है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर? 2-व्हीलर की लगभग हमारे पास जो व्यवस्था है पार्किंग की, उसमें हमें RTO वगैरह इनसे भी जो पता चला है, मध्य प्रदेश में लगभग सबसे बड़ी पार्किंग है यहाँ पर। अच्छा। जो भिलटदेव मंदिर स्थान की है उसमें लगभग 10,000 बाइक्स खड़ी हो सकती है और 3,000 से 4,000 4-व्हीलर खड़ी हो सकती है, इतनी व्यवस्था है।